19 देखिए, कह रहा है कि घनाभ के तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है तो उसका आयतन भी है, सॉरी यदि उसका आयतन भी हो तो सिद्ध कीजिए कि भी स्क्वायर बराबर में एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं, माना घनाभ की विमाएं एल बी यानी लंबाई एल है ना, घनाभ की विमाएं यानी कि लंबाई एल, चौड़ाई बी है ना, और ऊंचाई एच है, ऊंचाई एच है। मैं यहां पे घनाभ बना देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे इसके बात करेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए ये हो गया। अब देखो, लंबाई हमने एल मान ली, चौड़ाई हमने बी मान ली, ऊंचाई हमें एच मान ली, तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल यहां एक्स वाई जेड दिया है। तो यह एक्स दिया है, यह वाला फलक का वाई दिया, नीचे वाले का एक्स, इधर वाले का वाई, और ये पीछे वाले का जेड मान लेते हैं। तो इस नीचे वाले का क्षेत्रफल की बात करें तो वह एल इंटू बी हो जाएगा ना, बराबर में एक्स, समझ गए ना। इसकी बात करें तो वह बी इंटू एच हो जाएगा, बराबर में वाई, और पीछे वाले की बात करें तो वह यह एल होगा, ये वाला एल होगा और ये एच होगा। तो एच इंटू एल या एच इंटू एल या एल इंटू एच लिख सकते हैं, एच इंटू एल जो होगा वो आपका जेड हो जाएगा। अब तीनों में गुना करेंगे तो एल बी इंटू में बी एच इंटू में एच एल बराबर में एक्स इंटू वाई इंटू जेड, हम लोग इसको देखकर ऐसा कर रहे हैं गुना। ठीक है, तो यहां आ जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर में एक्स वाई जेड। तो मैं इसे लिख सकता हूं एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर में एक्स वाई जेड। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई घन का क्या होता है, घनाभ का क्या होता है, आयतन होता है, यानी कि बी हो जाएगा, यह एल बी एच हटाकर मैंने बी लिख दिया, और बी का स्क्वायर जो होगा बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड के। आपके क्वेश्चन में बी का मतलब यहाँ आयतन दिया है तो मैंने एल बी एच हटाकर बी लिख दिया, तो यहाँ से बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स वाई जेड के, हमने साबित करके दिखा दिया। समझ गए, क्वेश्चन नंबर